हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया था, मैं आ चुका हूँ ताज होटल में टाटा एस ई वी के लॉन्च पर। आप देख सकते हैं लाइन लगा के इतनी सारी यहाँ पे जो एस ई वी है वो खड़ी हुई है। ऊपर की साइड भी बहुत सारी एस ई वी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉन्च रहने वाला है, ये टाटा का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्च है। तो आज ए सी वी बहुत लोगों को डिलीवर होने वाली है, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, साथ में डी एच एल को, सेफ एक्सप्रेस हो गया, देन फेडिक्स हो गया, वेस्ट साइड हो गया। और मेरे पीछे कुछ और एस ई वीज खड़ी हुई है दोस्तों, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ और डिटेल्स, पहले चलते हैं लॉन्च इवेंट की तरफ। तो अभी आपने देखी इतनी सारी टाटा एस ई वी, तो इसका अभी हम डिटेल आपके साथ वॉक अराउंड शेयर करेंगे दोस्तों, जिसमें हम प्राइस के बारे में बताएंगे, इसकी पेलोड कैपेसिटी, रेंज कितनी है, स्पेसिफिकेशन, सारी जानकारी के बारे में हम बताने वाले, फीचर्स भी बताते हैं। तो फटाफट चलते हैं अभी लॉन्च इवेंट पर। सेट आउट बाय आवर प्रोग्रेसिव कस्टमर्स द रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। फाइनली टाटा एस ई वी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो ब्रांड की यहाँ पे टाटा एस ई वी है वो आ चुकी है। 39,000 जो डिलीवरीज हैं वो इसकी प्लान्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाटा एस है उसको बेसिकली इंडिया में हो चुके हैं अभी तक 17 साल, 24 लाख यूनिट इसके अभी तक इंडिया में सेल हो चुके हैं। और ये मिनी ट्रक सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग गाड़ी है। इसका ई वी वर्जन जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इतने सारे इसे ऑर्डर मिल गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कैसा है इसका डिज़ाइन है। तो इसका आप डिज़ाइन देखेंगे बहुत ही एरोडायनामिक डिज़ाइन बनाया गया है। तो ऊपर की साइड यहाँ पे विंड डिफ्लेक्टर टाइप दिया गया है, तो जैसे गाड़ी को आप तेज़ चला रहे होंगे तो एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से जो गाड़ी की रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत ही कमाल का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी कुछ सोच समझ के यहाँ पे इंजीनियरिंग करी गई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हैं जो लुक है वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी की बैटरी। तो बैटरी जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस करी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं जो मोटर है वो प्लेस करी गई है। एक वहाँ पे पीछे की तरफ आर्म जा रही है, जो कि बेसिकली बताती है दोस्तों ये है रियर व्हील ड्राइव गाड़ी। और इस गाड़ी को अगर आपको स्लोप पर भी चढ़ाना हो दोस्तों, इस तरीके से इंजीनियर करी गई है कि बहुत ही आराम से चढ़ जाती है बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी है आपको मिलती है 21.3 किलोवाट की। इसकी जो क्लेम रेंज है ऑन रोड, ये रेंज जो आपको देगी एक बारी फुल चार्ज में वो है 154 किलोमीटर की। यहाँ पे आपको दो टाइप के चार्जर मिलेंगे, कि आपको घर के लिए आपको चार्जर मिलेगा 15 एम्पेयर का, जिसमें आप पावर सॉकेट में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं, तो बहुत ही आराम से चार्ज हो जाती है। जो चार्जिंग टाइम भी है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, रेगुलर घर के चार्जर से और फास्ट चार्जर से। फास्ट चार्जर आप लगाएंगे तो गाड़ी बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों वैसे तो यहाँ पे जो क्लेम इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 160 mm की है, लेकिन 160 mm से कहीं ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऑन बुक्स आपको 160 mm की मिलेगी, वैसे काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस यहाँ पे दी गई है। तो बात करते हैं ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनाया गया है, काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन लगता है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे आप फ्रंट देखेंगे तो यहाँ पे एस की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये ईवी है तो यहाँ पे आपको ईवी की बैजिंग मिलेगी, वो भी ब्लू कलर की दोस्तों। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिल जाते हैं, नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर टेप, और इस साइड देखेंगे तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं। जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज़ करा गया है बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है। ये ड्यूरेबल का मतलब है बहुत ही मजबूत मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया है, लाइट वेट होने के साथ ये काफ़ी मजबूत भी है। तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, कुछ ऐसे यहाँ पे स्टील व्हील मिलेंगे जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं दोस्तों। ये है, आप साइज़ देख सकते हैं, ये भी लाइट ट्रक के टायर्स हैं, और ये है 155 सेक्शन टायर R13 लाइट ट्रक LT, जो टायर भी लिखा है LT मतलब लाइट ट्रक के लिए। और यहाँ पे जो भी फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज़ करा गया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे आप रियर लुक देख सकते हैं, तो ये है रियर। अंदर स्पेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले दोस्तों आप स्पेयर टायर देख सकते हैं, यहीं पर स्पेयर टायर रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सस्पेंशन आपको मिलता है इस साइड आप देखेंगे तो पीछे की साइड लीव स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया, बहुत ही हैवी ड्यूटी सस्पेंशन। फ्रंट वाला सस्पेंशन भी जो है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको मिल जाता है। यहाँ पे गाड़ी का बैटरी जो है वो रखी गई है, और जो चार्जिंग है वो यहाँ से करी जाएगी। ईवी यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। इसको खोलते हैं तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दोनों टाइप के चार्जर मिल जाएंगे,
जो कि है होम चार्जर भी और फास्ट चार्जर भी, तो दोनों चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। ये काफ़ी हैवी दिया गया है, हर एक मटेरियल, हर एक चीज़ यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छी फिट एंड फिनिश क्वालिटी के साथ मिलती है, जो कि टाटा की हमेशा से ही बेस्ट बात रही है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी पार्ट्स यूज़ करे गए हैं वो IP67 सर्टिफाइड है, तो आप नीचे पार्ट्स जो भी देख सकते हैं वो सारे डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि उन पर मिट्टी अगर पड़ती है या फिर अगर उन पर हल्का सा पानी का स्प्लैश भी आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टाटा एस ईवी का जो टर्निंग रेडियस है वो है दोस्तों 4.3 मीटर का, साथ में इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो है 1840 किलो, और यहाँ पे जो आपको पावर मिलती है वो है 36 BHP की, टॉर्क यहाँ पे मिलेगा 130 Nm का। अब यहाँ पे ओपन करते हैं, ये पेलोड कैपेसिटी देखते हैं इसकी, यहाँ पे आप लॉक भी लगा सकते हैं दोस्तों, वो भी दो दो लॉक लग सकते हैं छोटे साइज़ के, और इसको ऐसे हम करते हैं तो आराम से इसे खोल सकते हैं। बहुत ही हैवी ड्यूटी मटेरियल यहाँ पे भी यूज़ करा गया ताकि आप आराम से इसे खोल सकें। और ये है दोस्तों टोटल पेलोड कैपेसिटी जो है 600 किलो की, यस 600 किलो की आपको पेलोड कैपेसिटी मिलती है जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ करा गया है। लाइट वेट और बहुत ही हैवी ड्यूटी ड्यूरेबल मटेरियल है। अंदर की साइड यहाँ पे आपको कुछ ऐसी जो है कुंडी भी मिल जाती है, तो आप लॉक लगा सकते हैं, नीचे की साइड भी, ऊपर की साइड भी दी गई है, और जो डोर्स भी हैं दोस्तों काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको मिलेंगे। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या क्या दिया गया है। साथ में रियर में आपको सेंसर्स भी मिल जाते हैं, टेल लैम्प, रिवर्स कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पे लाइट दी गई है, और अब इसको करते हैं क्लोज। अब दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ, कुछ ऐसी आपको यहाँ पे गाड़ी की चाबी मिल जाती है। और ACV का आप अगर टॉप मॉडल लेंगे तो वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी अवेलेबल है। गाड़ी को जैसे हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा क्लस्टर ऑन होता है। यहाँ पे सेंटर में जो गियर्स हैं वो ऐसे दिख गई, यानी कि रिवर्स आपको करना है तो आपको सिर्फ ये R का बटन दबाना है, न्यूट्रल करना है, N का बटन दबाना है, आगे ड्राइव करना है आपको D का बटन दबाना है। और दोस्तों आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गाड़ी को चला रहे हैं, इतनी ज़्यादा ये साइलेंट है। बिल्कुल आपको जैसे EV की पैसेंजर गाड़ी मिलती है वैसे यहाँ पे आपको मिलती है, इतनी ज़्यादा आपको ये साइलेंट मिलने वाली है। जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों ही एडजस्टेबल दी गई है, हेडरेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ पर रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे टूल किट दी गई है, काफ़ी जगह स्टोरेज एरिया, और उसके अलावा वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज नेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये है फ्रंट डोर, काफ़ी बिग साइज़ की जो विंडो दी गई है वो बहुत ही एरी और बहुत ही खुला यहाँ पे आपको कैबिन मिल जाता है उस वजह से। और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं ऊपर नीचे विंडो को, यहाँ पे एक डोर का हैंडल भी दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक लॉक करने के लिए नॉब भी मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो फुल कारपेट अवेलेबल है, तो कैबिन जो है ACV का आपको बहुत ही प्रीमियम मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे स्पीकर की भी इवन जगह दी गई है, तो यहाँ पे आप स्पीकर भी लगवा सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम वाला मॉडल लेंगे तो आप स्पीकर आपको लगा लगाया मिल जाएगा। और अंदर बैठना और उतरना बहुत ही आसान है, और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की आपको मिल जाती है। यहाँ पे रियर व्यू मिरर, यहाँ पे कैबिन लाइट, और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको सन शेड मिल जाता है जिसके अंदर टॉल की रिसीट्स, यानी कि पेट्रोल की रिसीट हो गई, टॉल की हो गई, जो आपको पर्ची मिलती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है दोस्तों, ये है हॉर्न की साउंड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ही प्रीमियम लग रही है। पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, यहाँ पे टॉप मॉडल में आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे एक आपको USB चार्जर मिलेगा, साथ में हेडलैम्प लेवलर दिया गया, हेडलाइट की जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो AC वेंट्स को आप बंद कर सकते हैं या फिर खोल भी सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, डिजिटल दिया गया है, स्पीडोमीटर बहुत ही बढ़िया लगता है ये। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर शो करते हैं, सभी न्यूट्रल है, अगर मैं यहाँ पे रिवर्स लगाऊंगा तो वहाँ पे वो रिवर्स भी शो कर देगा। एंड दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर्स ड्रिवन जो चार्ज है वो बताता है कि अभी 70% चार्ज है, और ट्रिप ए कैसा रहा, ट्रिप बी कैसी रही, टोटल किलोमीटर ड्रिवन, और रेंज भी बता रहा है अभी 91 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टू MT है। और दोस्तों आप मानोगे नहीं, गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़ मिलती है। इस साइड एक ग्रैब हैंडल दिया गया, तो टाटा एस ईवी के साथ आपकी जो पर किलोमीटर की कॉस्ट है, यानी कि जो पर किलोमीटर आपको खर्चा करना पड़ेगा वो 1 रुपये से भी कम होगा, यानी कि आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए आपको 700 किलोमीटर जाना है तो आपकी 600 रुपये भी आपको यहाँ पे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा
फ़ायदेमंद रहती है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, और टाटा एस ई वी अब कमाल करने वाली है इंडियन मार्केट में। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जो ब्रांड की यहाँ पे टाटा एस ई वी है वो आ चुकी है, और अभी के अभी इन सबका होने वाला है फ्लैग ऑफ। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे फ्लैग ऑफ होगा। तो ये था एक शॉर्ट सा बहुत ही मजेदार ब्लॉग। आई होप दोस्तों आपको काफी मजा आया होगा। फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।